सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज से अपने चैनल पे रोज़ की एक वीडियो लॉन्ग भी आया करेगी और साथ शॉर्ट वीडियोस भी आया करेंगी। तो गाइस, इस वीडियो में हमारे साथ आया था एक यूट्यूबर HYD, तो आप उसे जानते होंगे गाइस। तो यूट्यूब पे उनके पास फ्री बैच भी है, तो गाइस उसको बहुत गंदे तरीके से हमने मारा है। तो वीडियो को इन्जॉय करो, और गाइस मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी याद से शेयर कर लेना। तो चलो बढ़ते हैं जल्दी से। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था कि आपका टाइम भी ज़ाया ना और मेरा भी। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पे एक बंदा नज़र आता है लेकिन डाउन कर दिया। 3 MM60 मिली है, जल्दी से इसे उठा लेते हैं और ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक बॉक्स नज़र आ रहा है, जल्दी से लूट करते हैं। तो और एक बंदा आते हुए मुझे नज़र आ गया, जल्दी से इसे डैमेज दिया मैंने। मरा नहीं गन स्विच करते हैं और जल्दी से इसे मार देते हैं। तो इसे मार दिया इसे मैंने। तो जल्दी से इसकी लूट उठाते हैं, देखते हैं कोई कुछ अच्छा मिलता है या नहीं। तो आप देखो, अब इसमें मेरा पहला किल निकल चुका है। अभी तक हमें पता नहीं था इसमें यूट्यूबर आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके ना बैजेस शो नहीं थे हो रहे। तो जल्दी से ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर अभी तक जैक के किल आ रहे हैं, मैं लूट कर रहा हूँ आराम से। तो यहाँ पर अब जो है ना गाइस, शो होगा कि यूट्यूबर आया हुआ है इस लॉबी में। तो यहाँ पर एक बंदे ने मुझे AK से डैमेज दिया, मैं जल्दी से इसका हेड लेने की कोशिश में था लेकिन उसने मुझे हेड शॉट मार दिया। और OP प्लेयर था गाइस, Season 10 का, देख रहे हो आपने, उसने Season 10 की शर्ट पहनी हुई है, हीरोइक वाली, नो सॉरी गोल्ड वाली पहनी हुई है गाइस। तो गाइस जल्दी से फिनिश कर दिया। गुरु भाई अब आ गया मुझे रिवाइव देने के बजाय, उसने अपने फ्रेंड्स को रिवाइव दे दिया, बट आखिरकार मुझे भी रिवाइव मिल चुका है दूसरी बार गाइस। जल्दी से हम दूसरी बार लैंड हुए, और ये देखो गुरु भाई ने मार दिया उसे, ठीक है। तो वो भी अपने चैनल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो जल्दी से नीचे चलते हैं गाइस, बंदा तो मार दिया, अब लूट शूट कर लिया हमने। तो और कुछ देखते हैं, लूट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो गाइस अगर आप बताओ आपको ये लॉन्ग वीडियोस चाहिए मेरे चैनल पर नहीं चाहिए, या फिर मैं ओनली शॉर्ट वीडियोस ही चढ़ाया करूँ। तो गाइस जल्दी से नीचे एक बंदा आ चुका है, जल्दी से हम जाते हैं और वो किल उठाने की कोशिश करते हैं। तो गुरु भाई तो जा चुके हैं नीचे उसे मारने के लिए, क्योंकि किल नहीं छोड़ते गुरु भाई, जो है ना किल के बहुत वाहियात किस्म के उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो मुझे बहुत गंदा डैमेज दिया, जल्दी से यहाँ पे आते एक बोनफायर लगा लेते हैं ताकि जो स्नैच पे जल्दी जल्दी फुल हो और हम इस बंदे को मार सकें। तो बंदा सामने खड़ा हुआ है गाइस, तो गुरु भाई उस तरफ से चले गए हैं, तो हम इस तरफ से जाएंगे ताकि वो बंदा भाग के आए तो हम उसे जल्दी से मार सकें। तो बंदा भाग के आ रहा है और हम इस तरफ से चले गए और अब इस बंदे को मारने की कोशिश करते हैं। बंदा भाग रहा है गाइस, इसे किल करने के लिए पीछे से आ चुका हूँ और जल्दी से मैंने इसे डाउन कर दिया। जल्दी से इसका किल उठा लेते हैं। तो हमने इसका किल उठा लिया, अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कोई और बंदा हमें मिल जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ से हम लूट करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे गाइस। तो अब यहाँ पे ना मुझे वही वाला यूट्यूबर मिलेगा HYD, तो आप देख लेना, उसने Season 1 भी पहना हुआ है, उसका जो है ना वो सोमराय मास्क नहीं होता Season 1 वाला, वो पहना हुआ है उसने, सकूरा मार्क सॉरी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो जल्दी से गन उठा लेते हैं, मुझे नज़र आ गया था गाइस। तो ये देख रहे हो, ये आया भागता हुआ, देखो यहाँ पे नीचे आप किल नोटिफिकेशन में देखना, अभी आ जाएगा। इसने जल्दी से अपने आप को फिनिश कर लिया, क्योंकि मैं इसे जा रहा था टीमिंग करने के लिए। तो जल्दी से हमने इसे फिनिश कर दिया, आप चलते हैं गाइस आगे, तो देखते हैं और कुछ लूट मिलती है हमें या नहीं। तो गाइस अभी आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में जो आपको गेम प्ले दिखेगी ना गाइस, वो बहुत ही अखीर गेम प्ले होने वाली है गाइस, तो लास्ट का क्लच जरूर देखना। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से डाउन हो चुके हैं और ये हम फिनिश भी हो गए, तो उसका मसला नहीं है। गुरु भाई ने इस बंदे को मार दिया है और जल्दी से हमें रिवाइव दे दिया है फिर से। तो अब इसके बाद तो हम नहीं मरेंगे भाई, अपनी लूट उठाते हैं जल्दी से और जो है ना आतंक मचाते हैं जाके लॉबी में। तो अभी आप देख लो कितने 35 बंदे अलाइव हैं, ठीक है। तो अब मैंने लूट अपनी उठा ली है, बस M10 में चिपों की कमी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। एक चिप मुझे यहाँ से मिल गई, मैंने लगा ली। गाड़ी पकड़ के जल्दी से चलते हैं, किसी टावर पे बैठ जाते हैं। तो गाइस वहाँ पे आके मैं यहाँ पे आके बैठ चुका हूँ, 25 बंदे अलाइव है। तो जल्दी से सामने एक बंदा ऐसे मारने की कोशिश करते हैं, और मैंने इसे बहुत OP डैमेज दिया लेकिन बंदा भाग गया। तो गाइस अब देखते हैं, यहाँ पे ना वो वाला यूट्यूबर की ना नोटिफिकेशन आई है कि वो एलिमिनेट हो चुका है, तो मैं उसके वेट में बहुत ज़्यादा वेट में था, मैंने यहाँ पे नहीं देखा कि वो एलिमिनेट हुआ है या नहीं, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो अब आप गौर रखना। तो चलते हैं जल्दी से ऊपर की तरफ, इस बंदे को फिनिश करके।
तो गाइस मैं वेट कर रहा था अभी भी, क्योंकि मुझे लग रहा था पीछे से कोई आएगा, लेकिन पीछे से कोई भी नहीं आया। और मेरा शक किस बात में सही हुआ कि सामने वाले टावर पे एक बंदा था, तो मैं उसके हेड में एम लेने की कोशिश में, और हेड का एम तो नहीं लगा, उसे 40-40 के दो पड़े। तो गाइस आप बताओ, आप BR रैंक में M14 यूज़ करते हो या स्कार? तो जल्दी से उसे हेड दे दिया, डाउन हो चुका है बंदा। गाड़ी पकड़ते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं ऊपर की तरफ। तो गाइस ये गाड़ी बहुत बेकार है, तो मुझे तो ये पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इस गाड़ी को छोड़ दी है। ऊपर की तरफ आ गए हैं, तो ये वाला घर पकड़ना ज़रूरी है। इस टाइम मेरा माइंड सेट कह रहा था अगर मैं ये वाला घर में चला जाता हूँ ना, तो अपना बोया पक्का हो सकता है। तो जल्दी से हम इस घर में चले जाते हैं। गाइज आप लोग कमेंट्स में बताओ कि इस गेम में मैं कितने किल निकाल सकता हूँ, ठीक है? इस वक्त बताना है आपने, इस वक्त वीडियो को पॉज करो और जाके नीचे बताओ। यहाँ पर मैंने एक फ्री का किल उठा लिया जल्दी से, और पीछे से मुझे डैमेज पड़ा है। जल्दी से आके यहाँ पे मेडिकेट लगा लेते हैं। हमारे साथ और भी बंदे हैं गाइस, ये दो दो गुरु हैं, ठीक है? तो आपने ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो जल्दी से जो है ना ये वाला भाई मर जाएगा, अभी देख लेना आप, इसके कुछ कुछ ही सांस बाकी हैं इसके पास। तो जल्दी से, एक M10 पे चिप है, तो हमें 3 चिपे चाहिए। यहाँ से ढूंढते हैं कोई चिप शिप मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा यार। 2 चिपे हो गई हैं, 1 चिप और मिल चुकी है हमें। तो अब यहाँ पे मैं बैठ के हूँ, देखते हैं नीचे से कोई बंदा आता है या नहीं, क्योंकि लास्ट जोन है और 10 बंदे अलाए हैं। 3 हम हैं और 7 बंदे और हैं, तो मेरे 6 किल है। कम अज़ कम जो है ना मुझे किल चाहिए होंगे, देखते हैं कितने किल निकाल सकते हैं। बंदा आया और यहाँ पे आई थिंक गुरु भाई डाउन हो गए हैं, तो मैंने जल्दी से इस बंदे को फिनिश कर दिया और रिवाइव देते हुए गुरु भाई को। तो गुरु भाई इस बंदे को फिनिश करने गए, फिर से डाउन हो गए। अबे यार मजाक चल रहा है, अब गुरु भाई को उसने फिनिश कर दिया। अब हम 2 बंदे हैं और सामने 7 यानी कि 5 बंदे रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा बोया निकालना आसान होगा या मुश्किल, तो ये चेक करने वाली बात है। और नीचे से नेडिंग पे नेडिंग हुई जा रही थी, तो यहाँ पे ना अब 6 बंदे रह चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक बंदा आ गया, उससे मैंने डाउन कर दिया जल्दी से M10 के साथ। गाइस M10 बहुत ओपी चलती है यार, आप भी यूज़ किया करो। तो मेरे पास तो इनक्यूबलेटर वाली है, आप कौन सी यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस यहाँ पे मुझे एक बंदे ने डैमेज दिया, मैंने 2 गोलियाँ फायर कर दी, और यहाँ पे मेरे पास ना M10 का एमओ भी थोड़ा सा रह गया था। तो अब वहाँ से ना ऊपर जोन की तरफ से बंदे आएंगे, तो जल्दी से उन्हें लपेटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गुरु भाई मेरे से पूछ रहे हैं SMG एमओ है, तो मैं तो खुद M10 यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो नहीं है। तो चलो देखते हैं फिर, मेडिकेट जल्दी से लगा लेते हैं और नीचे वाले बंदों का वेट करते हैं। तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा एमओ ले लिया गुरु भाई से, ठीक है? लैंडमाइन लगाया था मैंने, अपने लैंडमाइन फोड़ दिए। यहाँ पे 8 किलो हो चुके हैं मेरे, तो सामने 3 बंदे हैं और हम 2 बंदे हैं। देखते हैं हम कैसे बोया निकालते हैं, नेड करते हैं कुक और यहाँ पे फेंकते हैं, कोई बंदा डाउन होगा या नहीं। इधर नीचे एक बंदा है, ठीक है, उसे नेड मारते हैं। और ये 27 का डैमेज, यार नेड का डैमेज बहुत कम हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे एक बंदा है, तो गुरु भाई नीचे कूदेंगे, अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा है आप नीचे चले जाओ, मैं ऊपर से आपको कवर दूंगा। तो उनका भी दिल नहीं कर रहा यार नीचे जाने का, आपको पता है ना अगर वो गए तो गेम गई। तो इस टाइम ना उनके भी जो है ना 10 किल थे, उनके 10 किल थे या पता नहीं 9 किल थे, और मेरे 8 किल हैं। जल्दी से मैं आप यहाँ पे आ गया हूँ, फिर से ग्लूआ लगा दिया ताकि कोई बंदा ऊपर ना आ सके, यहाँ पे छुप जाते हैं। फिर से आया हूँ और एक लैंडमाइन यहाँ पे लगा दिया, शायद पीछे से कोई ऊपर आ गया तो फिर मरना ये काम में आएगा। और यहाँ पे मेरा ना नेट बहुत ज़्यादा स्लो होने लग गया था, यहाँ पे एक बंदा मार दिया। अब ना सामने सिर्फ ओनली 2 बंदे रहते हैं और मुझे 10 किल इस गेम में करने हैं। तो जल्दी से देखते हैं हम 2 बंदे मार सकते हैं या नहीं मार सकते। तो गुरु भाई नीचे कूद गए हैं, ठीक है, बंदे को डैमेज दे दिया, तो हम उनका किल चोरी करने की कोशिश में। और ये रहा बंदा, इसे जल्दी से मैंने डैमेज दे दिया और ये बंदा फिनिश। एक बंदा रह गया मुझे नहीं पता, और यहाँ पे ही होगा आई थिंक, और इसे भी मैंने मार